ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मैं अरविंद कुमार मिश्रा अपने सहयोगी अमलेश नंदन सिन्हा के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल में। मैं इस वक्त वासुकीनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं भगवान का दर्शन के लिए, जलार्पण के लिए लाखों की संख्या में यहां कांवरिया पहुँच चुके हैं और लगातार भगवान के दर्शन कर रहे हैं और जलार्पण कर रहे हैं। वासुकीनाथ मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी कांवरियाँ हैं वो पहले सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद में देवघर बाबा मंदिर पहुंचते हैं। वहां बाबा को जलार्पण करने के बाद में फिर वहां से यात्रा शुरू करते हैं और 45 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद में वासुकीनाथ पहुँचते हैं और वहाँ फिर बाबा का ये जलार्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, पंडा हैं, इनसे हम बात करेंगे वासुकीनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यहाँ के इतिहास के बारे में आप बताइए। जी, बता रहा हूँ। मेरा नाम अशोक मिश्रा, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का पुरोहित हूँ। मेरी जानकारी और यहाँ की इतिहास यही है कि ये नाग वासुकी जो समुद्र मंथन हुआ है वहीं से जुड़ा हुआ है। नाग वासुकी यहाँ से मंदार पर्वत से वासुकी नाग का मंथन हुआ है, वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वो मंदार पर्वत है। वही मंदार पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें नाग वासुकी बाबा शिव जी के अत्यंत भक्त नाग वासुकी हैं, जो गले में रहते हैं उनके, वही नाग वासुकी जब समुद्र मंथन हुआ तो वो थके हुए थे विश्राम के लिए। नागेश्रम दारुका बने इस जगह को कहा जाता है, जहाँ वासुकीनाथ स्थित है। नाग वासुकी हमारे इन दारुका बने नागेश्रम कहा जाता है। यहाँ उनको शांति मिला और उन्होंने विश्राम का स्थल चुना यहीं पे। जब विश्राम करने लगा तो गरुड़ राज जो होते हैं उन्होंने, और इनमें नाग वासुकी में बहुत जोड़ भिड़ंत हुआ, ये थके चूर हुए थे। तब इन्होंने बाबा वासुकीनाथ ये आह्वान की, जो प्रभु हम समुद्र मंथन करके बहुत थके हुए हैं, अत्यंत हमें पीड़ा हो रही है, आप मेरी सहायता करें। तभी बाबा वासुकी शिव जी प्रकट हुए और उनकी रक्षा किए और बोले, हे नाग वासुकी नाग, तुम हमारे गले में रहोगे और जो भक्त हमारी सदैव पूजा करेंगे उनकी मनोरथ पूरी होगी और अत्यंत दुखी भी जो हैं वो सुखी प्राप्त करेंगे। यहाँ की यही महानता है और ये स्वयं शंभू हैं, इसे कांवरियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट माना गया है। बाबा बैद्यनाथ में पूजा करने के बाद यहाँ आने से भक्तों की कामना पूर्ण होती है और आना आवश्यक है, आने से सारी कामना पूर्ण होती है जो मन्नत मांगते हैं। और यहाँ की विशेष श्रृंगार पूजा है, श्रृंगार पूजा में भव्य श्रृंगारी होता है यहाँ बाबा का, जो अत्यंत सुखदायक होता है, दर्शन करने से उनकी मनोरथ पूरी होती है। और ये नाग वासुकी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, फौजदारी नाम से प्रचलित हैं, फौजदारी बाबा इनको भी कहा जाता है, तुरंत फैसला करने वाले हैं ये बाबा वासुकी नाग। बाबा, ये जानना चाहेंगे कि ये जो 2 महीने का श्रावण मास है, इसमें कल 15 दिन का ये जो पहला वाला है शुद्ध मास जिसे कहा जा रहा है वो पूर्ण हो रहा है, उसके बाद क्या इसी तरह भगवान में जलार्पण होता रहेगा या फिर कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा? नहीं, जलार्पण होगा और ये पुरुषोत्तम मास माना गया है। किसी को अशुद्ध लगता है लेकिन ये शुद्ध मास है, पुरुषोत्तम माना गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और शिव, हरि और हर का मिलन भी होता है, इसमें बहुत शुभ माना गया है, भक्त आते रहेंगे, पूजा होती रहेगी। 2004 में लगा था यही पुरुषोत्तम मास सावन में, और ये पुरुषोत्तम मास में जो पूजा करते हैं, सावन और पुरुषोत्तम मास मिलके जो हो रहा है 2 महीने का, इसमें भक्त अत्यंत खुश होते हैं, जो हरि और हर का मिलन भी होता है और इस मास में पूजा करने से भी फल प्राप्ति होता है, विष्णु की भी कृपा बरसती है शिव जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वासुकीनाथ मंदिर है ये दुमका जिला में स्थित है, दुमका जिला के जरमुंडी जो ब्लॉक है वहाँ ये मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देवघर बाबा में का जो स्वरूप है सेम उसी तरह, ठीक उसी तरह वासुकीनाथ मंदिर का भी वो दृश्य आप देख सकते हैं कि एक ओर भगवान शिव का मंदिर है तो दूसरी ओर माता पार्वती का है। हालांकि मंदिर कुछ छोटा है वहाँ की अपेक्षा, लेकिन फिर भी लगभग दोनों का जो बनावट है एक ही तरह है। और मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि वासुकीनाथ मंदिर का जो द्वार है और माता पार्वती का जो मंदिर का द्वार है दोनों एक दूसरे के आमने सामने है,
ऐसी मान्यता है कि जब भी यहाँ दोनों का कपाट खुलता है उस समय किसी भी दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं करने दिया जाता है, सामने नहीं आने दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती एक दूसरे से उसी समय मिलते हैं, इसलिए इस उस दौरान किसी भी दर्शनार्थियों को दर्शन करने की मनाही है, किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाता है, सामने नहीं आने दिया जाता है। जिस तरह से बाबा ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, पहले भगवान जितने भी भक्त हैं देवघर बाबा मंदिर में जाके अर्जी लगाते हैं और फिर यहाँ आके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, जलार्पण करने के लिए देवघर जाते हैं, तो वहाँ से आपको वासुकीनाथ मंदिर का दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपके फल पूर्ण होंगे। तो इसी तरह मैं लगातार आपको इस श्रावण मास में और इसकी महिमा के बारे में लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार आप अपडेट ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और हमारे वेबसाइट में भी इस श्रावण मास के महत्व के बारे में लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।